हेलो बच्चों, आज की हिंदी की कक्षा में हम मोदी के फाउंडेशन की तरफ से मिली वर्कबुक का पेज नंबर 47 करेंगे, जिसमें हम अनुनासिक वाले शब्दों पर गोला लगाएंगे। तो जैसे यहाँ हमें नीचे कुछ शब्द दिखाई दे रहे हैं और यहाँ इन शब्दों में से हमें अनुनासिक वाले शब्दों को ढूंढकर उस पर गोला लगाना है। तो चलिए आइए इसे शुरू करते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा है, नीचे दिए गए शब्दों में से अनुनासिक वाले शब्दों पर गोला लगाओ। तो बच्चों, यहाँ नीचे हमें हर लाइन में कुछ शब्द दिए गए हैं और इन शब्दों में से हमें अनुनासिक वाले शब्दों को ढूंढकर उन पे गोला लगाना है। तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि अनुनासिक जो है बच्चों, वो चंद्र बिंदु के रूप में इस तरह शब्दों के ऊपर लगाया जाता है और जिस अक्षर के बाद इसकी आवाज आती है उसी अक्षर के ऊपर चंद्र बिंदु हम लगाते हैं। तो और दूसरी बात, जब इसको बोला जाता है, इसका उच्चारण किया जाता है, तो इसकी आवाज जो है वो हमारी नाक और मुंह दोनों से एक साथ बाहर निकलती है। तो चलिए आइए यहाँ पे हम शब्दों को ढूंढते हैं। जैसे पहली लाइन में दिया है, बांस, 20, 5, 4। तो हमें यहाँ पे दो शब्द जो हैं वो अनुनासिक वाले दिखाई दे रहे हैं। इन दोनों शब्दों पे चंद्र बिंदु लगा हुआ है, तो हम इन शब्दों पे गोला लगाएंगे, बांस और 5। इसी तरह दूसरी लाइन में देखते हैं, बात, बांट, जहां, जीरा। तो इस लाइन में भी हमें दो अनुनासिक वाले शब्द मिले, पहला मिला बांट और दूसरा जहां, तो इस पे भी हम गोला लगाएंगे इस तरह। तो बच्चों, जिस तरह मैंने आपको यहाँ पे इन दोनों लाइनों में अनुनासिक वाले शब्दों को ढूंढकर उन पे गोला लगा के दिखाया है, इसी तरह नीचे भी आपको कुछ और शब्द दिए गए हैं, इनमें से भी आपको अनुनासिक वाले शब्दों को ढूंढना है और उन पे गोला लगाना है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं।